हेलो एवरीवन, वो तानाशाह है। उसका दिमाग तो शकुनी से भी तेज है। ये जयचंद की तरह बिहेव कर रहा है। इस तरीके के वर्ड्स हम बहुत कॉमनली अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके पास ये राइट नहीं है। वो इस तरीके के वर्ड्स पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अब इन वर्ड्स को अन पार्लियामेंट्री वर्ड्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है। आप लोग ये कह सकते हैं कि ये तो सीधा सीधा हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीनने वाली बात हो गई है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ, हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आने वाले हैं। और ये लिस्ट रिसेंटली निकाली गई है बाय लोकसभा सेक्रेटरिएट ऑन 13 जुलाई। तो आज के हमारे वीडियो में मैं यही समझाने वाली हूँ कि क्या होते हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स और कौन सा लॉ जो है वो इन अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को गवर्न करता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको इस तरीके की सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होते क्या हैं और क्यों हम ये वर्ड्स जो हैं वो पार्लियामेंट में यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को हम ये भी कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अब्यूसिव हैं या फिर रूड वर्ड्स हैं। उनका एक्सप्रेशन जो है वो रूड है और विच इज़ टोटली अनसुटेबल फॉर द यूज़ इन पार्लियामेंट। तो वो जो है वो डिग्निफाइड नहीं है और पार्लियामेंटेरियंस को शोभा नहीं देता इस तरीके के वर्ड्स को पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर यूज़ करना। लेकिन अब ये चेक रखेगा कौन कि वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं, या किसने वो वर्ड यूज़ किया? क्योंकि जब हम स्पीच दे रहे होते हैं तो एक फ्लो में होते हैं, तो कौन ये ट्रैक रखेगा? तो ये पावर गिवन है टू द स्पीकर। और ये पावर कहाँ गिवन है? अंडर आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 105 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जो भी स्पीच एमपी दे रहा है पार्लियामेंट के अंदर, वो सब्जेक्ट टू डिसिप्लिन ऑफ पार्लियामेंट्री रूल्स होनी चाहिए और गुड सेंस में होनी चाहिए। आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते जो कि अनडिग्निफाइड है और जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को जो है वो डिफेम कर सकता है। आप जो भी कह रहे हो वो डिफेमेटरी इंटेंशन से बोल रहे हो। तो इन सब को ट्रैक रखने के लिए ये पावर दी गई है किसको? स्पीकर को, कि वो ट्रैक रखे कि जो हमारा स्पीकर है वो ट्रैक रखेंगे कि एमपी जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट में तो नहीं आता, क्योंकि वो अनडिग्निफाइड माना जाएगा और रूड माना जाएगा। अब ये जो हमारा अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट है वो हमारे पास कहाँ से आती है? तो वो हमें गिवन है अंडर रूल्स 380 एंड 381 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। तो ये जो रूल्स हैं वो किससे डील करते हैं? इट डील्स विद द एक्सपंक्शन, कि कौन से वर्ड्स को रिमूव करना है, कौन से वर्ड्स जो हैं इस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू इन अंडरस्टैंडिंग कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होते क्या हैं और अब कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट में आ गए हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल दीज इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।